members. A group norms is one of the group property which we need to understand. कि जब workplace पे कोई group बना हुआ है तो उसके अंदर norms क्या होती है, वो norms कैसे develop होती है, और ये जो norms है वो group performance को कैसे affect करती है. चलिए तो start करते हैं. एनी वन ऑफ यू, नॉर्म्स का मतलब क्या है? लेमैन लैंग्वेज में एग्जाम डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं. नॉर्म्स क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स, रेगुलेशंस. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द नॉर्म्स इज अ अनरिटन रूल्स व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द ग्रुप मेंबर्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. कि भाई हमें ग्रुप के अंदर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन क्या करेगा, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हो जाएगा. तो आपकी जो ग्रुप नॉर्म्स होगी अगर वेल डिफाइंड है, वेल क्लैरिफाइड है, सभी मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प द ग्रुप टू एनहेंस देयर ग्रुप परफॉर्मेंस. कि आपकी जो ग्रुप नॉर्म्स होगी वो आपके ग्रुप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी. तो लेट वी अंडरस्टैंड कि भाई नॉर्म्स क्या होता है और नॉर्म्स कैसे डेवलप होती है. तो we can define the norms as the norms is a set of beliefs, feelings and attitudes which is commonly shared by group members. ke workplace pe koi group bana hua hai, workplace pe jab koi group banta hai to wo jo group hai, group members hai, un sab ki beliefs ke bhai kya believe karte hai, kya फील करते हैं और इवन क्या सोचते हैं. तो उनकी बिलीव्स, फीलिंग्स एंड सोचने का तरीका सबका कैसा होगा? कॉमन होगा. इट विल बी कॉमन अमोंग द ग्रुप मेंबर्स. कि भाई सबकी बिलीव्स, सबकी सोच और सबका सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, वो सब कुछ सेम होगा. तो बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स विल बी कॉमन अमोंग द ग्रुप मेंबर्स. तो एक डिसाइड करेंगे ग्रुप्स के अंदर कि यस ग्रुप मेंबर्स ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे. तो बीइंग ए ग्रुप मेंबर्स वो सब लोग साथ में बैठेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिफरेंट टाइम काइंड्स ऑफ नॉर्म्स विल बी डेवलप. कि भाई ग्रुप के अंदर धीरे धीरे करके नॉर्म्स डेवलप होगी और जो नॉर्म्स है वो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस ये इस तरीके से हम काम करेंगे. चलिए यहाँ पे भी एग्जांपल्स है, यहाँ पे भी एग्जांपल्स है. आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से नॉर्म्स हो सकती है. ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप नॉर्म्स का लिस्ट है कि भाई जो एक ग्रुप फॉलो कर सकता है, लाइक लेट एवरी वन पार्टिसिपेट. कि भाई ग्रुप के अंदर जब हम साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग साथ में मिलके इकट्ठा मिलके जो भी काम दिया हुआ है उसको करेंगे. अगर डिसीजंस ले रहा है तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब अपना अपना व्यूज रखेंगे और उसके मुताबिक हम डिस्कशन करेंगे और एक अच्छी तरह से रिजॉल्व करेंगे. तो ये एक नॉर्म्स हो गई कि भाई ये ग्रुप की बिलीव्स है कि ग्रुप के अंदर हम जब काम कर रहे हैं तो सब लोगों को करना है, सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे. जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम रिजोल्व कर रहे हैं तो सब लोग मिलके उसको रिजोल्व करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग अपना व्यूज रखेंगे. लेट वी इन्वॉल्व, ग्रुप के अंदर हम हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, हम हमेशा अपना 100% देंगे. वी विल कोऑपरेट विथ ईच अदर्स कि भी हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. वी विल फोकस ऑन द होल ग्रुप कि भाई हम पूरे ग्रुप के बारे में सोचेंगे और एक इंडिविजुअल के बारे में सोचेंगे नहीं. तो आपको हमेशा ग्रुप के बारे में सोचना है. बी पेशेंट्स कि भाई आपको एग्रेसिव नहीं हो जाना है, ग्रुप के अंदर झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, शांति से लोगों को सुनना है. शेयर योर आइडियाज कि भाई ग्रुप के अंदर आप अपने आइडियाज, थॉट्स रख सकते हो और बातचीत कर सकते हो. एंड ऑलवेज कीप अ आई कॉन्टेक्ट, मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहिए. तो ये वेरियस एग्जांपल्स है कि जो ग्रुप्स के अंदर बने होंगे और ग्रुप मेंबर्स फॉलो करेंगे. कि चलो कि भाई ग्रुप के अंदर कोई इश्यूज आ जाता है तो सबकी क्या बिलीफ्स है,
कि भाई हम सब लोग साथ में मिलके इकट्ठा मिलके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सबकी किसी के प्रति क्या फीलिंग्स है, कि भाई एक दूसरे के प्रति क्या फीलिंग्स है, तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई एक बंदा प्रॉब्लम में है तो पूरा ग्रुप उसको मिलके सपोर्ट करेगा। सब लोगों की सोच कैसी है, वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, कि भाई आपको पेशेंस रहना है, एग्रेसिव नहीं बन जाना है, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है। तो ये जब वेरियस नॉर्म्स है, वो सारी नॉर्म्स लोगों ने एक्सेप्ट की होगी, ग्रुप मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया होगा कि यस, ये सारे जो नॉर्म्स है, ये जो सारे सेट्स ऑफ बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स है, वो हम सब लोग मिल के फॉलो करेंगे। चलिए, सेम वे दिस आर ऑल्सो द क्लासेस ऑफ नॉर्म्स, और वी कैन से द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म्स, लाइक वी कैन हैव द नॉर्म्स फॉर परफॉर्मेंस। नॉर्म्स हो सकती है कि भी लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल वर्क, कि भाई ग्रुप में सब लोगों ने साथ में मिलके हमने डिसाइड किया परफॉर्मेंस नॉर्म्स, कि भाई ग्रुप के अंदर हर एक बंदा, कौन सा बंदा कितना काम करेगा। तो हम ग्रुप के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मिनिमम सबको कितना काम करना है। अपीयरेंस नॉर्म्स, कि भाई ग्रुप के अंदर हम कैसे कपड़े पहनेंगे, मंडे को कौन से पहनेंगे, ट्यूजडे को कौन से पहनेंगे, वेनसडे को कौन से पहनेंगे, लाइक दैट। सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स, कि भाई किसके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे, कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉर्म्स, कि भाई ग्रुप के अंदर रिसोर्सेज जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और असाइनमेंट्स ऑफ जॉब्स एंड मटेरियल्स, कि भाई कौन सा बंदा अगर कभी भी काम आ रहा है तो कौन सा बंदा क्या काम करेगा, हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा बंदा कौन सा रिसोर्सेज लाएगा, कौन कितना पैसा स्पेंड करेगा। तो ये भी नॉर्म्स होती है, वो भी सब लोग ने मिलकर डिसाइड किया और उसके मुताबिक लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द नॉर्म्स रिफर्स द सेट ऑफ बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स विच आर कॉमनली सेड बाय ग्रुप मेंबर्स। चलिए, ये जो नॉर्म्स होती है जो सब लोगों ने इकट्ठा साथ में मिलकर बनाई हुई है और साथ में मिलकर वो फॉलो कर रहे हैं, उससे क्या होगा, इट विल सेट द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विद इन द ग्रुप एंड पीपल विल एक्सेप्ट। कि आपकी जो नॉर्म्स बनेगी, नॉर्म्स के बेसिस पे सेट ऑफ बिहेवियर का स्टैंडर्ड बनेगा, कि भाई ग्रुप के अंदर आपको कैसे बिहेव करना है, कौन से बंदे को क्या काम करना है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो चीज डिसाइड होती है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि भाई आपकी जो नॉर्म्स होती है वो हर एक ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करेगी, कि जब आप ग्रुप में हो तो उस टाइम पे आपको कैसे बिहेव करना है, तो वो चीज आपकी नॉर्म्स डिटरमाइन करती है। तो ग्रुप के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा रहेगा वो नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करेगी। कि चलो, कि भाई आपकी ग्रुप्स की नॉर्म्स है एवरीवन नीड टू पार्टिसिपेट, कि भाई हर एक को पार्टिसिपेट ग्रुप के अंदर करना है, कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है आपके सामने और एज ए ग्रुप मेंबर्स आप सब लोग उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हो, कोई एक बंदा व्यूज दे रहा है तो आप उसे रोक रहे हो कि नहीं भाई तू नहीं बोल सकता, तो बाकी के जो लोग होंगे वो उसको रोकेंगे कि नहीं, हमारे ग्रुप के अंदर सभी लोगों को अलाउ है, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। कि भाई उस टाइम पे हम नहीं बोल सकते कि भाई तू छोटा है, तू बड़ा है, तू नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं है, हम सब की नॉर्म्स क्या है, तो कि भाई एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। तो किसी बंदा, कोई बंदा आपके ग्रुप की नॉर्म्स से अगेंस्ट जा रहा है, उसका बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, तो बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो उसको रोकेंगे कि यस तू ये सही नहीं कर रहा है। सेम एग्जांपल यहाँ से भी ले सकते हैं, परफॉर्मेंस नॉर्म, कि भाई ग्रुप के अंदर नॉर्म्स बनी हुई है कि यस एज ए ग्रुप मेंबर्स हम इतने से इतने बजे तक काम करेंगे, इतने बजे ही आएंगे, अगर कोई बंदा उसके मुताबिक नहीं कर रहा है देन वी विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस, कि भाई उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे और चेंज करने की ट्राई करेंगे कि यस तेरे को ग्रुप में रहना है तो तेरे को ग्रुप की नॉर्म्स फॉलो करनी पड़ेगी, कि भाई हम सब ने ये परफॉर्मेंस नॉर्म्स बनाई हुई है कि भाई हम मिनिमम इतना ही काम करेंगे, इतने बजे ही आएंगे, तेरे को भी ये फॉलो करनी होगी। एंड वो बंदा फॉलो करेगा उसका, क्यों, तो कि भाई उसको वो ग्रुप के अंदर रहना है। चलिए, देन नॉर्म्स विल सर्व द थ्री फंक्शंस इन अ ग्रुप, कि भाई नॉर्म्स के बेसिस पे हम क्या क्या समझ सकते हैं, तो नॉर्म्स विल बी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस,
कि भाई नॉर्म्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई ग्रुप के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, इंडिविजुअल का, ग्रुप का ओवरऑल जो बिहेवियर है यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नॉर्म्स कि भाई वो जो ग्रुप्स है ग्रुप की नॉर्म्स कैसी है और नॉर्म्स के बेसिस पे आप उनका बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर, ग्रुप का परफॉर्मेंस आप प्रिडिक्ट कर पाओगे. यस, ये ग्रुप है, कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स उनके सामने आएगा, कोई एक इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम आएगा तो ग्रुप की नॉर्म्स है कि वे कोऑपरेट, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि यस ग्रुप में से कोई एक बंदे को इश्यूज हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो बाकी के सब लोग मिल के उसको सपोर्ट करेंगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. तो यू कैन प्रिडिक्ट कि भाई बाकी के मेंबर्स के बिहेवियर कैसा होगा. यू कैन कंट्रोल, नॉर्म्स आपको कंट्रोल में भी हेल्प करेगी. अगर किसी का बिहेवियर स्टैंडर्ड बिहेवियर से अलग है देन यू कैन कंट्रोल, बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो उसको कंट्रोल करेंगे कि यस ये बिहेवियर ग्रुप के अंदर नहीं चलेगा. अगर तुझे ग्रुप में रहना है तो हम जैसा बोलेंगे वैसा तेरे को करना है. हमने बोला है कि भाई इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है. अगर तू वहाँ पे करेगा तो तू ये ग्रुप में से निकल जाएगा. सो इवन ग्रुप कैन कंट्रोल द अदर्स, कंट्रोल द ग्रुप मेंबर्स. देन नॉर्म्स विल एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप्स बिटवीन द रोल्स कि भाई ग्रुप के अंदर कौन से बंदे का क्या रोल है, उसके मुताबिक उसको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ भी आपकी नॉर्म्स डिटरमाइन कर सकती है. कि फॉर एग्जाम्पल द रोल ऑफ लीडर कि भाई ग्रुप के अंदर जो लीडर है तो लीडर कोऑर्डिनेट कर सकता है, एक दूसरे को ऑर्डर दे सकता है. तो आपकी जो नॉर्म्स होगी वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करेगी कि भाई रोल कौन से बंदे का क्या रोल है, वो कौन से बंदे को क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या नहीं बोल सकता है, कौन किसको काम दे सकता है, कौन किसको काम नहीं दे सकता है. तो इवन रिलेशनशिप एमोंग द ग्रुप मेंबर्स विल बी सेट बाय द ग्रुप नॉर्म्स. तो आपकी जो नॉर्म्स होगी वो आपके ग्रुप के बिहेवियर को, ग्रुप के परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी और ग्रुप मेंबर्स के रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करने में भी हेल्प करेगी. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एट कॉलेज कि भाई कॉलेज के अंदर आप लोगों का ग्रुप है तो एज अ ग्रुप इन अ वन पर्टिकुलर कॉलेज इन अ वन पर्टिकुलर क्लास यू ऑल्सो हैव द वेरियस नॉर्म्स कि भाई आप लोगों की भी वेरियस नॉर्म्स होगी कि जहाँ पर आप लोगों की बिलीव्स कि भाई कैंटीन में खाना कैसा है कैसा नहीं, फीलिंग्स टूवर्ड्स द स्पेसिफिक पर्सन्स कि भाई ये टीचर कैसा है, ये टीचर कैसा है, आपका वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कि भाई आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, ये मोबाइल अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कॉमन होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और ग्रुप बनने के बाद भी ये डेवलप हो सकती है. तो गर्ल्स कॉलेज के अंदर आपका ग्रुप्स है तो आपकी ग्रुप्स की नॉर्म्स भी होगी. चले यानी है आपको कोई सपोज एज अ ग्रुप मेंबर्स एनी वन ऑफ यू कैन से व्हाट आर द नॉर्म्स व्हिच यू आर गोइंग टू फॉलो इन योर ग्रुप, एनीवन? सो एज अ स्टूडेंट्स ग्रुप यू कैन हैव द वेरियस नॉर्म्स लाइक कि भाई हम कॉलेज कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कौन सा लेक्चर अटेंड करेंगे, कौन सा लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या, वेनसडे को क्या, कॉलेज के अंदर किसके साथ फ्रेंडशिप होगी, किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं होगी, अगर ग्रुप के अंदर पार्टी करनी है तो कौन सा बंदा क्या लाएगा, कौन कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, हमें कितना काम करना है, कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कौन सा नहीं करना है, कैंटीन में खाएंगे नहीं खाएंगे, बाहर जाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कौन सी मूवी नहीं देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके नॉर्म्स के बेसिस पे आप करते हो. तो आप सब की कॉमन बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स होता है जो सारे मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, उसके मुताबिक आप ग्रुप्स के अंदर बिहेव कर रहे हो. तो दिस इज अबाउट द मीनिंग पार्ट ऑफ नॉर्म्स. और क्या होगा कि भाई ग्रुप के अंदर कोई एक मेंबर्स है तो वो हमेशा अपनी ग्रुप कन्फर्मिटी दिखाने के लिए चाहेगा कि भाई आई वॉन्ट टू शो दैट कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ ग्रुप. सो वंस बिहेवियर टू अलाइन विद द ग्रुप नॉर्म कि भाई जैसा ग्रुप का नॉर्म्स है वैसा ही मैं फॉलो करूँगा कि भाई जैसा ग्रुप में डिसाइड हुआ है कि यस ग्रुप के अंदर डिसाइड हुआ है कि भाई इसके साथ फ्रेंडशिप रखती है, इसके साथ फ्रेंडशिप
नहीं रखनी है, मंडे को ब्लू पहनना है तो मैं वही पहन के आऊँगा। ग्रुप को चाइनीज़ खाना अच्छा लगता है तो मुझे भी चाइनीज़ खाना अच्छा लगता है, ग्रुप को ये मूवी अच्छी लगती है तो मुझे भी वो मूवी अच्छी लगती है। तो यू वॉन्ट टू शो द ग्रुप कन्फर्मिटी कि भाई आपको दिखाना है कि यस मैं ये ग्रुप का पार्ट हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट कि ग्रुप के अंदर जो हर एक मेंबर्स जो होगा वो ग्रुप की जो नॉर्म्स होगी उसको फॉलो करेगा। यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप और यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ ग्रुप विच इज अ इट इज नोन एज अ रेफरेंस ग्रुप। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप टू विच इंडिविजुअल्स बिलोंग्स कि भाई आप वो ग्रुप से ऑलरेडी बिलोंग करते हो और वो ग्रुप आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यस ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज मेरे को कॉलेज में अच्छा नहीं लगेगा। और होप टू बिलोंग्स विद दोज नॉर्म्स इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कन्फर्म और आप होप करते हो कि यस ये सारे नॉर्म्स मैं फॉलो करूँगा तो ये ग्रुप के अंदर मैं बना रहूँगा, ग्रुप वाले मुझे निकाल देंगे नहीं। तो इवन there is a reference group or the group in which you are at present and you want to continue with that particular group only, so that's why you always try to show as a one individual member a group conformity, you will do whatever group are doing. to aap apna behavior ko modify karoge, change karoge aur group ki jo norms hogi usko accept karoge aur usko follow karoge ki yes mujhe dikhana hai ki main ye group ka part hu. so even in meaning can be asked for 2.5 marks questions ke bhai define the term norms, to uske andar aapko explain karna hai ki bhai norms kya hoti hai, to ye definitions likhni hai, norms behavior ko influence karna hai wo likhni hai aur norms kaise aapko helpful hogi. to ye examples hai.